हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम इस लेसन के अंतर्गत शिक्षण सहायक सामग्रियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री वह सामग्री होती है जो शिक्षण को प्रभावी व रोचक बनाए। और शिक्षण सहायक सामग्री चार प्रकार की है, जिसके अंतर्गत पहला है ज्ञानेंद्रियों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री, और दूसरा है प्रौद्योगिकी तकनीकी के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री, और तीसरा है प्रक्षेपण के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री, और चौथा है NCERT के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री। देखिए फ्रेंड, इस लेसन में से हर एग्ज़ाम में, जैसे CTET है, रीट है, या कोई भी अदर स्टेट एग्ज़ाम के 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, आराम से देखें, अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखें। तो सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, पहला है शिक्षण सहायक सामग्रियों का पहला भेद है ज्ञानेंद्रियों के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्रियाँ 3 प्रकार की होती हैं, जिसके अंतर्गत पहला है श्रव्य साधन, दूसरा है दृश्य साधन, और तीसरा है श्रव्य दृश्य साधन। और श्रव्य साधन के अंतर्गत कई उपकरण आते हैं, जिसके अंतर पहला है रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, मौखिक उदाहरण इत्यादि श्रव्य साधन के अंतर्गत आते हैं। और दृश्य साधन के अंतर्गत श्याम पट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, मानचित्र, ग्लोब चित्र और रेखा चित्र, मॉडल, पोस्टर, स्लाइड्स, पुस्तक, नोट्स आदि, ये सभी दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। और ज्ञानेंद्रियों का अंतिम व तीसरा प्रकार है दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत। देखिए, चलचित्र है, नाटक है, कठपुतली है, टीवी है, फिल्म प्रोजेक्टर है, सिनेमा है, कंप्यूटर, स्मार्टफोन इत्यादि, ये हैं दृश्य श्रव्य साधन के प्रकार। देखिए, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर 3 भेद हैं, जिसके अंतर्गत पहला श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य, ये है ज्ञानेंद्रियों के आधार पर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। शिक्षण सहायक सामग्रियों का दूसरा प्रकार है प्रौद्योगिकी या तकनीकी के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती हैं, जिसके अंतर्गत पहला है सॉफ्टवेयर या मृदु उपागम, जिसको विधा के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अंतर्गत पुस्तक व नोट्स आते हैं। और देखिए, इसी का प्रौद्योगिकी का दूसरा रूप है हार्डवेयर या कठोर उपागम माध्यम। हार्डवेयर कठोर उपागम, इसी को माध्यम के नाम से भी जाना जाता है, ये टेप रिकॉर्डर है, टीवी है, रेडियो इसके अंतर्गत आते हैं। ये थे प्रौद्योगिकी या तकनीकी के आधार पर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रक्षेपण के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार कितने हैं? 2 है। देखिए, प्रक्षेपी के अंतर्गत स्लाइड्स हैं, फिल्म स्ट्रिप है और पारदर्शिकाएं हैं। और देखिए, प्रक्षेपण का ही दूसरा एक तो है प्रक्षेपी और दूसरा है अप्रक्षेपी। अप्रक्षेपी के अंतर्गत चार्ट है, मॉडल, मानचित्र ये आते हैं। ये तो थे प्रक्षेपण के आधार पर। और अब है NCERT के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री 6 प्रकार से उन्होंने बांटा है NCERT ने, जिसके अंतर्गत पहला है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के अंतर्गत चित्र है, कॉमिक्स है और कार्टून, ये ग्राफिक्स के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है डिस्प्ले सामग्री के अंतर्गत ब्लैक बोर्ड है, प्लैनर बोर्ड है, ब्लोटिंग बोर्ड है इत्यादि डिस्प्ले सामग्री के अंतर्गत आते हैं। और NCERT का ही तीसरा भाग है या तीसरा रूप है, देखिए, 3 आयामी या 3D, इसको मॉडल, इसके अंतर्गत मॉडल है, ग्लोब है, वास्तविक पदार्थ है, ये सभी 3 आयामी या 3D के अंतर्गत आते हैं। देखिए, श्रव्य साधन के अंतर्गत टेप रिकॉर्डर है, लिंग्वाफोन है, ग्रामोफोन है, रेडियो है, कहने का अर्थ है फोन, जिस शब्द के पीछे फोन हो वो श्रव्य साधन के अंतर्गत आते हैं। और NCERT का 5वां प्रकार है प्रक्षेपी के अंतर्गत फिल्म स्ट्रिप और स्लाइड इत्यादि प्रक्षेपी के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट है प्रक्षेपी
लास्ट है एनसीईआरटी के आधार पर प्रक्रिया सामग्री के अंतर्गत देखिए क्षेत्र भ्रमण वृत्त चित्र फिल्म इत्यादि प्रक्रिया सामग्री के अंतर्गत आते हैं। ये थे फ्रेंड शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रकार जिसके अंतर्गत हमने ज्ञानेंद्रियों के आधार पर और प्रौद्योगिकी या तकनीकी के आधार पर एनसीईआरटी के आधार पर और प्रक्षेपण के आधार पर हमने अध्ययन किया। अगर फ्रेंड ये आपने बिल्कुल ध्यान से देखा है बिल्कुल एकदम तो इससे संबंधित मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। अगर ये आपको एकदम सही से आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिएगा। देखिए जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है लिंगवा फोन किस शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। जिसके अंतर्गत पहला ऑप्शन है सर्वे साधन, दूसरा है दृश्य साधन, तीसरा है दृश्य सर्वे साधन और चौथा है उपयोग सभी। इसके अंतर्गत आपको जो भी उचित ऑप्शन लगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर ये है। दूसरा प्रश्न है त्रिआयामी शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। देखिए मॉडल है आम है, रेखा चित्र है और टिफिन। देखिए ये है त्रिआयामी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रकार नहीं है। इसके अंदर पूछा है नहीं है। इसके अंदर जो आपको उचित आंसर लगे वो कमेंट बॉक्स में ऐड करना है आपको। इसी के साथ आगे है एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रकार है। एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्रियों के कितने प्रकार है। इस प्रश्न का कहने का अर्थ ये है कि दो प्रकार के है या चार प्रकार का है या छः या पाँच। आपको इन तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आपने ध्यानपूर्वक सुना है देखा है तो आशा करता हूँ कि इन तीनों प्रश्नों के जवाब एकदम सही देंगे। फ्रेंड ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद फ्रेंड।